अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास, वेलकम टू साइंस लेक्चर। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम ट्रांसलोकेशन। प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स। द प्रिपेयर्ड फूड इज कैरिड बाय फोलियम टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। द मोमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी वेयर इट इज नीडेड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अच्छा जी, जो बना हुआ खाना होता है वो फोलियम पौधे के सारे हिस्सों में लेके जाता है। जो मूवमेंट है फूड फ्रॉम लीव टू द पार्ट ऑफ प्लांट ऑफ बॉडी, प्लांट बॉडी, तो जो पत्तों से खाना लेके जाना बॉडी प्लांट की बॉडी में, उस सारे अमल को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये कैसा है कि हाउ इट्स सॉलिड फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू द प्लांट टू द अदर। तो सॉलिड फूड एक प्लांट के हिस्से से दूसरे तक कैसे सफ़र करता है, कैसे जाता है, तो हम पहले फिगर को देखते हैं, डायग्राम को। ये है फूड फ्रॉम लीव्स। अब पत्तों से यहाँ पे अगर हम देखें तो पिंक कलर के बॉल्स में खाना नीचे जा रहा है और पानी ऊपर आ रहा है, क्योंकि पानी सॉयल से, पानी वाटर एंड मिनरल्स वो सॉयल से इकट्ठे करते हैं और वो नीचे से ऊपर जाएगा और फूड प्रेशराइज होके नीचे आता है और पानी ऊपर जाता है। सो दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस। हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वी कैन एक्सप्लेन द मोमेंट ऑफ सॉलिड फूड थ्रू द फोलियम बाय प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। हम प्रेशर फ्लो, यानी जब वो पुश करता है प्रेशर तो पानी ऊपर आता है और खाना नीचे जाता है, ये वाले हाइपोथेसिस से इसको करते हैं। अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस, वाटर फ्रॉम नियर बाय ज़ाइलम एंटर द फोलियम एंड मिक्सेस द फूड फॉर्मिंग। यानी जो पानी है वो ज़ाइलम से एंटर होता है फोलियम में और मिक्स होता है फूड, पानी के अंदर फूड मिक्स हो जाता है। द सॉल्यूशन फ्लो अंडर प्रेशर थ्रू द फोलियम, तो जो वो सॉल्यूशन होता है उसमें प्रेशर पड़ता है नीचे से पानी का, और प्रेशर की वजह से खाना नीचे चला जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। आगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। स्ट्रक्चर क्या है प्लांट्स के हिस्सों का और ट्रांसपोर्टेशन का। नेचर हैज़ मेड द प्लांट पार्ट इन सच अ वे दैट देयर स्ट्रक्चर परमिट द मोमेंट ऑफ मटेरियल, तो कि उसका स्ट्रक्चर है वो परमिट करता है मटेरियल की मूवमेंट को। स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स फ्रॉम, सबसे पहले हम रूट्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फ्रॉम द मोमेंट अ सीड ग्रो, जब वो एक सीड बीज बनता है, इट्स रूट्स स्टार्ट टू सर्च वाटर एंड मिनरल इन द सॉइल। जब बीज बनता है तो उसकी जो जड़ें हैं वो पानी में, ज़मीन में पानी और मिनरल्स को ढूंढना शुरू कर देती हैं। रूट्स हैव ब्रांचेज दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर, तो जड़ों में जो ब्रांचेज होती हैं छोटे छोटे बालों की तरह होती हैं, उनमें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं पानी को जज़ब करने में। द रूट हेयर ऑन द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल। रूट हैज ज़ाइलम टिश्यूज़ टू मूव वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल अप थ्रू द स्टेम टू द लीव। अच्छा जी, जो रूट्स हैं वो पानी और मिनरल को सॉयल से जज़ब करती हैं, और रूट्स में ज़ाइलम टिश्यूज़ होते हैं जो पानी और मिनरल को मूव अप करते हैं सॉयल से थ्रू द स्टेम, स्टेम से टू द लीव, पत्तों तक। फोलियम टिश्यू इन रूट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट फूड, और जो फोलियम टिश्यूज़ हैं पत्तों में वो हेल्प करते हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। आगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। मैनी प्लांट्स सच एज मस्टर्ड, सरसों का जो पौधा हैव अ वैक्सी लेयर, और वो वैक्सी लेयर उसकी होती है कर्टिकल अराउंड द स्टेम, अपनी स्टेम के इर्द गिर्द, टू रिड्यूस वाटर लॉस। यानी उसके इर्द गिर्द एक वैक्स की लेयर होती है कि पानी ज़ाया ना हो। बार्क आल्सो रिड्यूस वाटर लॉस इन प्लांट्स, तो बार्क है, बार्क भी एक स्किन टाइप है, वो भी कैसे रिड्यूस करता है, पानी को ज़ाया नहीं होने देता। फोलियम टिश्यू इन द स्टेम ट्रांसपोर्ट फूड मेड इन लीव्स, तो जो फोलियम टिश्यूज हैं स्टेम में वो ट्रांसपोर्ट करते हैं खाने को पत्तों तक। ज़ाइलम टिश्यूज़ कैरी वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव, और जो ज़ाइलम टिश्यूज़ हैं वो पानी लाते हैं जड़ों से पत्तों तक। आगे स्ट्रक्चर ऑफ अ लीव। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, लीव्स एक्चुअली पत्ते हैं वो फूड फैक्ट्रीज हैं। अपर लेयर ऑफ द लीव हैज़ अ वैक्सी लेयर कर्टिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस, तो वो उनके ऊपर वैक्सी लेयर होती है कर्टिकल जो वाटर लॉस को रिड्यूस करती है। लोअर लेयर ऑफ अ लीव हैज़ स्टोमेटा,
और लोअर लेयर में स्टोमेटा होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो को वो बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और रात में वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये स्टोमेटा के थ्रू होता है. मिड रिब एंड वेन्स ऑफ अ लीव हैव जाइलम एंड फोलियम टिश्यूज. और मिड रिब जो वेन्स हैं पत्ते की उसमें दोनों टिश्यूज होते हैं, जाइलम भी और फोलियम भी. दीज टिश्यूज ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर एंड फूड थ्रू द लीव. ठीक है जी. अब एक्टिविटी आ गई है एक मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स. यू विल नीड अ क्लियर प्लास्टिक ग्लास. आपको एक प्लास्टिक ग्लास चाहिए. अच्छा जी, सैलरी स्टेम चाहिए, ड्रॉपर, रेड इंक और वाटर. प्योर सम वाटर इन द क्लियर प्लास्टिक ग्लास, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू द वाटर. जी, आपने प्लास्टिक के ग्लास में पानी लेना है और उसमें कुछ कतरे सुर इंक डालनी है. टेका सैलरी स्टेम, आपको सैलरी एक पौधा है, इसकी स्टेम लेनी पड़ेगी. आप कोई और भी ले सकते हैं. कट इट एज एंड प्लेस इट इन द वाटर. उसकी एज काटनी है और उसे पानी में रख देना है. जी, एज होता है किनारा. प्लेस द ग्लास विद सैलरी स्टेम इन सनलाइट. तो वो ग्लास को सनलाइट धूप में रखना है. ऑब्जर्व द स्टेम आफ्टर 2 आवर्स. 2 घंटों के बाद आपने स्टेम को ऑब्जर्व करना. यू विल सी रेड लाइन इन द लीव्स. आप देखेंगे कि वो पत्तों में रेड लाइन्स होंगी क्योंकि आपने रेड इंक फेंकी हुई है. इफ़ यू कट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेम यू विल सी ऑल्सो सी द रेड कलर इन साइड. और अगर आप उसकी स्टेम को क्रॉस सेक्शन में काटेंगे तो आप उसमें रेड कलर भी देख लेंगे. तो ऐसा क्यों है? बिकॉज टाइनी पाइप्स डज वाटर मूव विद इन द स्टेम. क्योंकि जो छोटे छोटे पाइप्स हैं यानी जो जाइलम टिश्यूज हैं जो पानी को ऊपर लेके जाते हैं वहाँ पर वो रेड इंक पाई जाती है. तो ये आपका आपकी एक्टिविटी है. यहाँ पे आपका चैप्टर हुआ स्टॉप. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू. इसे आप लोगों ने रीड आउट करना है और मेमोराइज करना है अच्छे तरीके से. थैंक यू.